अजमेर की सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित भूपो का बाड़ा इलाके में देर रात अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए मारुति वैन के टायर चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित राकेश दिलवाल ने इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि देर रात 2 बजे से अज्ञात बदमाश मारुति वैन लेकर पहुंचे और उन्होंने सोफिया स्कूल के पीछे खड़ी मारुति वैन के ही टायर खोल लिए और फरार हो गए। इस मामले में पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये भाई साहब रात को देखो सर जी, करीब 2:30 बजे की बात है, हमने कैमरे में देखा है, पर कैमरे इतने ब्रांडेड कंपनी के नहीं है। उस कैमरे के अनुसार ये पीछे का अभी तो मैंने लगा दिया, पीछे की डेक सहित टायर चुरा के ले गए। एक वाइट कलर की वैन थी, जो वैन इस तरफ मुंह करके खड़ा हुई थी मीरशाले की तरफ, और उसमें करीब 3-4 जने थे और एक जना आया, उसने चारों नट खोले। नट खोलने के बाद में 2-3 जने अंदर बैठे थे, फिर उन्होंने ऊपर से उठाया इसको, गाड़ी को बिना चेक के हाथों से उठा के तीसरे ने टायर निकाला और गाड़ी में डाल के ले गए। तो हम चाहते हैं कि भाई जैसे ये घटना आज हुई तो ये घटना कभी होनी नहीं चाहिए, और हमारे कॉलोनी में ऐसे लोग रहते नहीं है। वैसे शिकायत साहब मैंने सिविल लाइन थाने में FIR लिखवा दी है। साहब ने अभय कमांड पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह फोटो वगैरह हमने दी तो उन्होंने आगे भेज दी है। वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, देखो जल्दी से जल्दी चोर को पकड़ा जाए, हमारा जो भी स्टेप नहीं है चोरी हुई है वो मेरे को दिलाई जाए। स्टेप नहीं करीब होगी सर 5-6 हज़ार रुपये की तो आती है। डेक्स है, टायर है, ट्यूब है, और नए का नए टायर है साहब, मेरे तो अभी डलाए मैंने 2 ही महीने हुए केवल मात्र। मेरा नाम राकेश दलवाल है, सोफिया स्कूल के पीछे भोपो का बाड़ा।